ईसा मसीह के शरीर और रक्त, जिसे कॉर्पस क्रिस्टी के नाम से भी जाना जाता है, कैथोलिक चर्च के आराधना कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ईसा मसीह के शरीर और रक्त के त्योहार का अंतिम भोजन के साथ एक विशेष संबंध है, एक उद्धार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल। अपने शिष्यों के साथ इकट्ठे होकर ईसा ने एक अंतिम भोजन साझा किया था अपने दुःख और मृत्यु से पहले। इस पवित्र सभा के दौरान ही उन्होंने ईश्वरीय भोजन स्थापित किया, जिसके माध्यम से रोटी और दाख का रस को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तित किया। अंतिम भोज यीशु की इच्छा को प्रकट करता है कि वे अपने शिष्यों के साथ गहरी तरह से जुड़े रहें, यहाँ तक कि उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी। यूहन्ना के सुसमाचार में ईसा घोषित करते हैं, यदि तुम मनुष्य के पुरुष का मांस न खाओ और उसका रक्त न पियो तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। ईश्वरी भोजन न केवल हमें इस पृथ्वीवासी जीवन में पोषण करता है, बल्कि यह अनंत जीवन का वादा भी रखता है। ईसा हमें अपने शरीर और रक्त का प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमें आश्वासन देते हैं कि इस पवित्र भोजन के माध्यम से हम एक गहन और अनंत बंध में उनके साथ जुड़े हैं। ईसा मसीह के शरीर और रक्त के त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारी अनंत जीवन की यात्रा इस पृथ्वी पर ही शुरू होती है, जबकि हम ईश्वरीय भोजन के माध्यम से स्वर्गीय भोजन का भागीदार होते हैं। ईसा मसीह के शरीर और रक्त के त्योहार के मूल में श्रद्धा है कि ईश्वरीय भोजन में ईसा की वास्तविक उपस्थिति है। परिवर्तनशीलता के रहस्य के माध्यम से रोटी और दाख का रस उनके सच्चे शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। यह वास्तविकता हमें एक वास्तविक और गहन तरीके से ईसा के साथ सामर्थ्य साधने के लिए आमंत्रित करती है, हमें आत्मीय रूप से बदलने की अनुमति देती है। जैसे शारीरिक आहार हमारे शरीर को पोषित करता है, वैसे ही ईश्वरीय भोजन हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता है। यह अनुभव हमें अनुग्रह, उपचार और परिवर्तन का स्रोत है। ईसा के शरीर और रक्त को प्राप्त करने से हम जीवनदात्मिक ऊर्जा से पूर्ण हो जाते हैं, जो हमें दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक जीवनदायी शक्ति प्रदान करता है। मिसा बलिदान ईसा की एकता के साथ संयुक्तता का एक संस्कार है, जो हमें ईसा के साथ और एक दूसरे के साथ उसके चर्च के सदस्यों के रूप में गहन एकता में बुलाता है। हम ईसा के शरीर और रक्त का प्राप्त करके अपनी आस्था में मजबूत होते हैं, प्यार में बंधे होते हैं और उसी एकता और प्यार को सभी मानवता तक फैलाने का बुलावा देता है, आह्वान करते हैं।